सब्सक्राइब कीजिए न्यूज फैशन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाए लेटेस्ट मूवीज और अन्य अपडेट के लिए। मौजूदा परिस्थिति के बारे में आप दोनों क्या कहना चाहेंगे? क्या एक वुमेन सेफ है, फील करती है इंडिया में, आपको क्या लगता है? फ्रॉम जो हमने रास्ते में पाया है, जिन आंसर्स से, उनसे मैं आपको बताना चाहूँगी कि नहीं, अभी वो सेफ नहीं है। अभी भी हम देखते हैं लड़कियों को बस में चढ़ते हुए फिर उतरते हुए, क्योंकि एक महिला भी नहीं अगर बैठी हो तो वो उस बस में नहीं आएगी अंदर। हमें और औरतें चाहिए रोड पर। वी हैव टू गेट वुमेन ऑन, यू नो, कम एंड पार्टिसिपेट, एंड आई एम श्योर दैट इफ दिस मैसेज गोज आउट दैट मोर वुमेन शुड कम इन सपोर्ट, इट विल हैपन। और रही मेरी बात ओके, लास्ट आई जस्ट फिनिश दैट क्वेश्चन। ओके, आई जस्ट फिनिश व्हाट आई वाज सेइंग, एंड इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट छोटे शहरों में तो अनसेफ बिल्कुल ही है, बिल्कुल ही, बिकॉज उनके बारे में हर रोज खबर आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। बट आई एम अ वुमन and I've been in the public eye for 25 years. So many times people think कि आपको क्या मालूम औरतों के साथ क्या होता है हमारे देश में, आपके साथ तो बॉडी गार्ड घूमते हैं, आपके साथ यू गॉट ऑल दीज अदर फेसिलिटीज टू प्रोटेक्ट यू। लेट मी टेल यू दैट वे यू आर ईव टीज्ड बाई टू पीपल, वी एज वीमेन इन द पब्लिक आई इवन विथ 10 बॉडी गार्ड्स आर डीलिंग विद हंड्रेड्स ऑफ मैन that have often managed to misbehave with us. And we know exactly how it happens in this country, trust me, in volumes. But fark itna hai that at this age, the last time that happened was 6 months ago. I was at an award function, you guys were there as well. 15-year-old boy, 15. And because itne sare aadmi the, usse laga, मुझे पता नहीं चलेगा कौन था। बट दिस इज व्हाई आई टेल यू गाइस, डू सम लर्न समथिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस, इट मेक्स यू वेरी अलर्ट। सो आई ग्रैब्ड हिज हैंड एंड आई वाज सो शॉक्ड व्हेन आई पुल्ड हिम अप दैट ही वाज अ लिटिल बॉय, ही वाज 15 इयर्स ओल्ड। टिपिकली फॉर अ मिसबिहेवियर लाइक दैट आई कुड हैव टेकन लॉट्स ऑफ अदर एक्शंस, but because it was a 15-year-old boy, I grabbed him by his neck as if I was saying hello to him. I took him for a walk. सारे भीड़ में आप लोग भी खड़े थे वहाँ पर, मैं उसको से पकड़ के लेके गई और रास्ते में बोला that if I make a hue and cry about this right now, your life will be over, बच्चा। I didn't do. I said, नहीं बेटा, करा तो आपने, अब ईमानदारी से पहले acknowledge करो कि किया। I'm sorry, okay. आपको पता है आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। It be done. I promise it'll never happen. No, if it does, I've seen your face. Now get out of here. That's the difference. I recognize in a 15-year-old boy that he's not been taught that this kind of is not an entertainment. It's a very big mistake. It can cost you the rest of your life. But to grown men who are in our country indulging in worse and gang rapes, they should be hanged without a doubt. There should be no mercy. Understanding or mercy for it, and start hanging them, you'll understand what a consequence is, loud and clear, whether you're in a city or in a village. This I strongly believe, and then we'll think of mercy and a better place to live in. Thank you. Thank you. You guys. अब पानी है क्या?